दिल्ली से टोहाना पहुंचे मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों ने टोहाना शहर की चिंता को बढ़ा दिया है। मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों को आज टोहाना में क्वारंटीन किया गया है। प्रशासन द्वारा एक साथ इतने लोगों को क्वारंटीन किए जाने की सूचना मिलने के बाद टोहाना में हड़कंप की स्थिति बन गई। वहीं बताया जा रहा है कि प्राथमिक जांच के दौरान सभी लोग स्वस्थ पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की इन लोगों पर कड़ी नज़र है। क्वारंटीन किए गए लोग के दिल्ली में आयोजित हुए तबलीगी कार्यक्रम में शामिल होकर आने की आशंका जताई जा रही। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग दिल्ली से टोहाना आए हैं। ऐतिहासिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। 11 लोगों को क्वारंटीन किया गया है कि ये क्या मामला है सारा, क्योंकि ये लोग शहर के अंदर क्वारंटीन किया गया तो इसलिए काफ़ी भयभीत है लोग। और इनकी थर्मल स्कैनिंग, इनकी जो सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग जो होती है वो हेल्थ विभाग ने करी है, और हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में जो है हेल्थ विभाग और सिविल विभाग के साथ डिसाइड करेंगे कि इनको जो है कहाँ क्वारंटाइन करना है। तो क्या 14 दिन तक का ही क्वारंटाइन किया जाएगा? वो हेल्थ विभाग डिसाइड करेगा कि इनकी जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि किसी को 14 दिन करना है, किसको 7 दिन, किसको 28 दिन। आपको जो बताया गया था कि ये क्या वहीं से निजामुद्दीन से ही होकर आए थे यहाँ पे? नहीं, ऐसा सूचना नहीं है, निजामुद्दीन से होकर नहीं आए हैं। ये सूचना है कि तबलीग गए, तो तबलीग का जो क्योंकि सेंटर जो है उनका वो निजामुद्दीन में, तो हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने निजामुद्दीन में ट्रैवल कराओ, उसके बारे में इनसे अभी पूछताछ किया। हमें खुद भी अपना आज क्या रहे हैं करे जाओ हमारे को थोड़ा सा टेंशन हो रही है अभी।